हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक रिसेंट तेलंगाना हाई कोर्ट की डिसीजन भी आई है जो कि उसको और क्लियर करती है इंटरेस्ट के प्रोविजंस को जीएसटी के अंदर। साथ ही लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो जीएसटी का कोर्स वेबिनार्स कोर्स अभी रनिंग है, वो काफी लोग उसमें एनरोल करना चाहते थे और किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ वो कोर्स अभी हमारे डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, तो वहां से जाके अभी आप वो कोर्स अभी भी परचेज कर सकते हैं। अभी आपको जो मिलेगा वो बाकी के जो लाइव सेशंस है वो और जो रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे वो। साथ ही हम लोग अपने सेशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैट पे, उनके जो FAQs हैं यानी कि सारे क्वेश्चन है, उनकी कंपाइलेशन भी अवेलेबल कराते हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट का प्रोविजन। हम सब लोगों को शुरू से एक डाउट था कि इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए, तो लॉ के प्रोविजन के हिसाब से काफी लोगों ने सजेस्ट किया था, जिसमें खुद मेरा भी ओपिनियन यही था कि इंटरेस्ट फुल अमाउंट पे लगना चाहिए अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो। क्योंकि मुझे सेक्शन 16(2) इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का जो राइट देता है वो तब देता है जब मैं चार बेसिक कंडीशन पूरी कर लेती हूँ, और उन कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी है कि मैंने खुद अपनी रिटर्न फाइल की, यानी कि रिसिपिएंट ने अपनी रिटर्न फाइल की हो। काफी लोगों का इस पे एक अनदर व्यू भी था और उनका कहना ये था कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपने अगर रिटर्न नहीं भी फाइल किया है तो भी आप पे जो टैक्स लगना चाहिए वो टैक्स आपका जो बैलेंसिंग फिगर है सिर्फ उस पे लगना चाहिए, यानी कि टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से जो मेरी ITC है इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको लेस करके जो बैलेंसिंग फिगर बची वो। एक्चुअली काफी केस में ये भी हो सकता है कि जो मेरा नेट पेबल है वो बहुत छोटी अमाउंट हो, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 करोड़ रुपए का पेबल है जिसमें से कि 99 लाख रुपीज का मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है। अब किन्हीं रीजन की वजह से मैं रिटर्न नहीं फाइल कर पाई, तो मेरे सिर्फ 1 लाख रुपए की लायबिलिटी की वजह से, या मैं एक जेन्युइन केस लेती हूँ, मान लो मेरे पास एक्चुअल में 1 लाख रुपए का टैक्स पे करने के लिए अभी कैश फ्लो नहीं है मेरे अकाउंट में, ठीक है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं 1 लाख रुपए नहीं पे कर सकती थी मुझे 99 लाख रुपीज पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर वो पीरियड लंबा चला जाता है तो फिर वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 18% का इंटरेस्ट रेट है आउटपुट टैक्स को पे नहीं करने की कंडीशन में, सेक्शन 50 जो कवर करता है 50 सबसेक्शन 1। तो अभी रिसेंटली एक रूलिंग आई है तेलंगाना हाई कोर्ट की इन केस ऑफ मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो वहां पे हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि आपको फुल अमाउंट पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं किया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अब इस रूलिंग के बाद ये तो क्लियर हो गया है, हो सकता है कि इसमें अभी फर्दर और भी लिटिगेशन हो, लेकिन इस रूलिंग के बाद मोर और लेस ये क्लियर हो गया है कि आपको अभी टैक्स फुल अमाउंट, आपको इंटरेस्ट अभी फुल टैक्स अमाउंट पे देना पड़ेगा। तो जो हमारी 31st जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें भी इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया था कि इंटरेस्ट हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है उसी पे चार्ज होना चाहिए, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया और वो जो रिकमेंडेशन थी वो कहीं दब गई बाकी सारे जो आइटम्स होते हैं उनके बीच में, तो उस पे भी कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हुआ। ऑल्दो इस केस में भी जो काउंसिल थे, जो एप्लीकेंट थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा, उसको भी उन्होंने एक्चुअली एक्नॉलेज कराया कि जीएसटी काउंसिल में भी ऐसा कुछ आया था, मतलब वहां पे भी व्यू था सीबीआईसी का, उनका भी मानना था कि हाँ मेरे को इस पे सिर्फ बैलेंसिंग फिगर पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होने की वजह से, उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में नहीं आ पाने की वजह से अभी जो मेरी लाइबिलिटी है इस समय पे वो फुल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट पे करने की है। तो मैं आप लोगों को ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, टाइम पे फाइल कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको जो ITC है उसका एटलीस्ट बेनिफिट मिल सके। और जिन केसेस में ITC की अमाउंट बहुत बड़ी है या आपको बहुत सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, तो उस केस में तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप और कुछ करें या नहीं करें, लेकिन टाइम से अपनी रिटर्न जरूर फाइल करें। सो विद दिस अपडेट आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। लेटेस्ट जीएसटी अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारी साइट पर सब्सक्राइब कर सकते हैं जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।